फ्रेंड्स, जय अमित नेहा में आपका स्वागत है। आज आ गए हम जंगल में, देखते कैसा है जंगल। जंगल में मंगल करते हैं। चलो गाइस, वन में आ गए गाइस, वन फॉरेस्ट में। डैडी कहाँ पर अभी लेकर आ जाते हैं अनप्लेटेड। गर्म से ठंडा आ रहा है अभी, क्लाइमेट गर्म से ठंडा आ रहा है। हिडन जम लेकर आ रहे हैं, हमारा जी खा रहे है बैठ के। हमारा जी खा रहे है, खा रहे है। नहीं नहीं, क्लाइमेट तो अच्छा है, चलेगा। गाइस हमने एक पेची मूवी देखा था, पेची हवा आ रही है जैसा होगा बोले थे। अभी आगे जाके पता है, स्टार्टिंग है बेटा, अभी तक आगे जाके पता चलेगा। रिवर है, उसमें स्विमिंग करने के लिए आप यहाँ पर आए। हम यहाँ पर 150 किलोमीटर ड्राइव करके यहाँ पर आए। हम ऐसे ही है, थोड़ा खसके हुए हम, खसके हुए लोग हैं। पापा खसके हुए और साथ में बच्चे और वाइफ भी, सब खसके हुए, सब खसके हुए लोग हैं। थोड़ी छटक गई, छटक गई। पर घर है और क्या, इसको टेंट गार्डन टाइप है और सब कुछ यहाँ पर परफेक्ट से बना हुआ है। यहाँ पर रेस्टोरेंट है क्या? पता नहीं क्या रिसोर्ट आएगी मधु, फर्स्ट है पता नहीं। यहाँ पर पार्क भी है खेलने के लिए, और हम भी खेलेंगे, हम भी बच्चे हैं ना। बट मेरा व्हाइट पैंट आज तो पैंट हुआ था, क्या गंदा हो जाए, आला से धो देंगे, इसमें क्या है। चलो चलो खेलते हैं, अपन को ख्याल रहता है। मम्मी काम कर रहे तो ओके फाइन। मैंने सोचा था तू धोने वाली थोड़ी है, मैंने सोचा मम्मी को इतना काम नहीं देना चाहिए। मैंने सोचा कि मम्मी को इतना काम नहीं देना चाहिए। क्या सोच रही है, मैं धोती हूँ, धोती तो मैं हूँ, ये तो काम चोर है। कभी भी बोलती हूँ तो कुछ काम करती नहीं है, रोन करेगा, वो करेगा, आप करो डैडी करेंगे, मैं नहीं करूँगी, मैं तो सोऊंगी, खाऊंगी, पीऊंगी, हगूंगी, हंगूंगी और टीवी देखूंगी। हंगूंगी नहीं, हगूंगी और टीवी देखूंगी। ओह वाओ गाइस, देखो रिवर, इसमें हम स्विमिंग करने वाले हैं। आप जाओगे ना अंदर पूरा पानी बाहर निकल जाएगा। चलेगा डूब के। हां देखो गाइस क्या है, गाइस ये क्या पोस है। हां डैडी नया पोस। हां ओके पोस है, दो बारी यू करी देना कि यू करी जाए आप ना देना पोस का बोले तो बड़ी बात है। धूप का नया पोस है, वो हम भी देख लो। हम सब अनपढ़ गवार है, मैक्स गवार है, ये तो मैक्स की गवार गवार स्टूडेंट, मैं पढ़ के भी गवार स्टूडेंट हूँ। मैं ताबू ना पढ़ी लिखी हुई है। हाँ मैं तो नाम की पढ़ी लिखी है, स्कूल से बाहर से गई है, अंदर से नहीं गई है वो सच में। धूप है, पेड़ है और मैं हूँ। वाह वाह वाह, क्या शहरी है, शहरी शहरी शहरी। हाँ मेरा अकेलापन। ओ माय गॉड, अकेलापन गाइस, मुझे ही पता है मेरा अकेलापन। आई आई गाइस, ज़्यादा ड्रामा हो रहा है यहाँ पर। कोई ड्रामा नहीं हो रहा है, मैं अकेली घर पे काम करती हूँ, अभी अकेली चल रही हूँ। तो अकेली तो मैं क्या, मैं भी स्कूल जा रही हूँ। आप जा रहे हो स्कूल? तो मैं स्कूल क्यों जाऊँ, तो पता मैं क्यों आपको। तो स्कूल के बाहर जा रही है, अंदर जाके क्या, मैक्स तो आता नहीं तेरे को। तो मैक्स नहीं आता तो स्कूल में तो जा रही हूँ ना। स्कूल जाके खाली नाम की स्कूल जा रही तो जा रही हूँ तो एटलीस्ट ना स्कूल की नाम की जा रही। तू बाहर बाहर से भी जाएगी तो इतनी मैक्स आ जाएगी तेरे को। नहीं तू अंदर जाके भी इतना ही मैक्स सीख रहे तो मेरा क्यों खर्चा करा रही है। खर्चा कराना मेरा बचपन से ही है, क्या आदत है। क्यों डैडी बहुत कमाते हैं से बड़ा है। अच्छा हवा में उड़ जाएगी। मैं डैडी के पीछे पीछे जाऊंगी। क्या पीछे पीछे, पूछ पकड़ के? हाँ डैडी की पूछ नहीं है मम्मा, एक्चुअली लंबी पूछ नहीं है। नहीं है तो बाहर तो मेरे को फ्री चाहिए ना, फ्री चाहिए। घर पे तो किचन में बैठी रहती है ना, वॉकिंग करो। हाँ वॉकिंग तो हो रही है पैरों से। अच्छा जल्दी करो, देखो पापा कहाँ पर है। पापा तो 1 किलोमीटर दूरी पे और यहाँ पर बैठे हो आज तक। हाथ घर पे हाथ से काम कर रही हूँ, यहाँ से यहाँ पे पैर से काम कर रही हूँ। अच्छा हाँ वॉकिंग हो रही है ना, वैसे तो काली पड़ने वाली हूँ आज। आप काले हो, कब गोरे थे? मैं तो गोरी हूँ ना, मैं सबसे गोरी हूँ मम्मा। हाँ मैं सबसे गोरी हूँ, मैं हूँ मम्मा, मैं तो काली अच्छी दिखती हूँ।
है मेरे को गोरा जो इंसान मेकअप करता है वो बोल रहा है मैं मेकअप ही नहीं किया कुछ नहीं लगा क्या नहीं ठीक है सो भी ये मेकअप नहीं बोलते अभी क्या है वो मेकअप में हाथ है मम्मा क्रीम ऐसे लगाने को वो मेकअप में हाथ है मेकअप में आता है तो सोप ही नहीं लगाना बंद कर दिया अभी पिंपल हो रहे थे इसलिए सोप बंद कर दिया गाइस पिंपल सब नहीं होते मेरे को एलर्जी हो रही एलर्जी हो रहा कुछ नहीं हो रहा है स्किन फट रहा था इसलिए तो क्या है फिर एलर्जी नहीं तो क्या फिर मैं तो मेट से रोहते ना मुल्तानी मिट्टी से मूड होती मुल्तानी मिट्टी मिल्क डाल के मुल्तानी मिट्टी से मूड होती हो और कुछ भी नहीं लगाती हूँ गोरे गोरे दिखते इसलिए कुछ भी नहीं लगाया फेस पे मैंने क्रीम भी नहीं लगाया आज सिर्फ वाओ वाओ गाइस के सराउंडिंग से बस लिपस्टिक लगाई हूं मैं नेचर है गाइस बहुत नेचर है धूप भी है साथ में नेचर का हां वो अच्छा नहीं लगता धूप हो तो अच्छा नहीं लगता बारिश होना चाहिए बारिश मजा आ जाएगा की बूंदे पहले सीख लो फिर गाना गाना किसको गाना है तो फिर बारिश के बूंदे तो बोली ना बारिश तो ये बारिश का नाम आ गया बारिश की बूंदे मैं थोड़ी लता मंगेशकर हूँ जो गाऊंगी मम्मी डरो मैं मम्मी हाँ साउंड आ रही है वो बैम्बू स्टिक टूटने हाँ। का साउंड बहुत डरावना है गाइस ये नदी है नदी कहाँ पर वो है ना नीचे नदी यहाँ से पानी जाता है अभी सूखा पड़ा एक्चुअली ये नदी है यहाँ से पानी जाता है बट अब नहीं है सूखा पड़ा है सूखा पड़ा हुआ सूखा अरे पूरा नदी है क्या अभी मुझे सॉरी गाइस आंध्र में पानी नहीं है गाइस पापा कितना वॉकिंग कराते फिर बोलते इतनी पतली क्यों है तू जाके पापा को पूछो कितना वॉकिंग कराते मुझे ए मामा तुम्हें डर लग रहा है मामा क्या हो क्या साउंड आ रही है साउंड अच्छा आ रहा है साउंड बहुत अच्छा है और देखो उसका फोटोशूट चल रहा है हम जाके इंटरफेयर करें क्या चलो गाइस करते हैं इंटरफेयर हमारा स्पीड सुपर मोड डाल देते हैं हो गया गाइस कई फोटो लग रहा है रोहन सिंह में तो गाइस हमारा डेस्टिनेशन हम पहुंच गए गाइस तो कुछ नहीं बस इतना वॉकिंग करना आपको वॉकिंग करना पेट कम करना तो यहाँ पर आ जाना तो चलो यहाँ पर पानी नहीं है समर सीजन है इसलिए यहाँ पर खेलो बैठ के पत्थर एक दूसरे को मारो एक दूसरे पे पत्थर मारो ओ तो पानी ए मम्मी तो पानी है मैंने दो पत्थर लिए किसके लिए लिए पता है मेरे हस्बैंड का सिर फोड़ने के लिए इस पति जी का सिर इस जगह पे लेके आया इसके लिए मैं उसका सिर फोड़ने वाली हूँ सच में आप देखते रहना वो हंस गए बच गए वो हंस गए इसलिए बच गए सॉरी बोला सॉरी सॉरी आपने सॉरी बोला सॉरी बोले इस जगह पे लेके आया मुझे सॉरी नहीं अब मुझे क्या पता था कि ऐसा होगा इधर सॉरी बोलो वी आर एक्सप्लोरिंग सम न्यू प्लेसेस नहीं तो गाइस ये जो स्टार प्लस में सीरियल आता है ना इससे ज्यादा ड्रामा मेरे घर पे होता है हां मारा मारा मम्मी चलो चलो डंडा मैं डंडा लेके आऊंगी छोटे मारूंगी मेरे गाने पे मारूंगी सिर पे फोड़ने के लिए मेरा सिर फोड़ने के लिए और क्या रास्ता देंगे जाते हैं अपने लाइफ में और कुछ नहीं इसलिए मैंने दो पत्थर लिए गाइस लेजेंड करामा अ टाइपिक एक्शन गए जाके देखना मैं अंदर से पूरा भीग गया है पसीने से मैं क्या भीग गई हूँ अंदर से भी बाहर से भी पानी पानी हो गया गाइस पानी पानी हो गई सूखे नशे करने का क्या नतीजा होता है किसी के कहने पे यहाँ पे मत आना गाइस कुछ भी नहीं है नहीं विंटर में आता था होगा विंटर में आता तो कहीं भी अच्छा होगा इतना कौन आएगा 2-3 किलोमीटर चल के पचास कुछ नहीं है इधर क्या है बैम्बू ट्री है पूरा
गाइस आज हम यहीं पे करने वाले फॉरेस्ट फायर आदिवासी एज के टाइम से वही हम तो अभी कैंप करने वाले कैंप गिरा दे कैंप करने वाला कैंप और आग लगाने वाले आग इसको तो मैं घर पे लेके जाऊंगी मस्त है यहाँ पे आए तो पत्ते लेके जाना यादगार के लिए कि हाँ मामा दूर फॉरेस्ट गए थे गाइस भैया ऐसा कभी नहीं मेरे को पसीना पसीना आ रहा नेहा से डैडी मैरीना बीच जाने के लिए 5 मिनट का रास्ता है वहाँ तो नहीं जाते टाइम नहीं है टाइम नहीं टायर्ड है और 150 किलोमीटर आए इस जगह को देखने के लिए देख लो लेकिन ये जगह वर्थ है एक एक्सपीरियंस इनसाइड द फॉरेस्ट है कि नहीं उधर सिटी में क्या फॉरेस्ट होगा एक्सपीरियंस होगा इधर देखो फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट पूरा गुड नेचर के साथ बोलता हूं ना तो डैडी को बुला देगा मेरे को नहीं पसंद है ना आपको नेचर पसंद है के साथ टाइम स्पेंड करो पानी नहीं है ठीक है मान गया बट नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो बीच नेचर नहीं है क्या नहीं नहीं दैट इज नॉट नेचर किसने बोला नेचर नहीं है बीच हो गया बीच में तो बीच में बहुत बार होते हैं तभी ठीक हो गया है ना तो वो तो बहुत बड़ा फायदा है ना हमेशा मेरा ऐसे ही है जंगल में आती तो मेरा ठीक हो गया है क्या नहीं हुआ वो बोलो मुझे मेरा तबीयत कभी भी जंगल में हमेशा ठीक होता है हो गया ना ये फायदा हो गया ना खराब ही रहता है ये क्या फायदा ऑन ड्राइव पे क्या हुआ था तेरे बॉडी डाउन हो गया था हुआ था क्या नहीं हुआ था हुआ था ना अभी जंगल में आ गए तो तभी ठीक हो गया कभी भी ठीक होता है बस खत्म किसके अंदर डालने से बेहोश हो राकेश के अंदर डाल दे अभी पसीना आ रहा है रनिंग रेस के बाद कितना पसीना आएगा देखते रेडी हो रहे मम्मी जॉगिंग कर दो वार्म अप रनिंग रेस इन द फॉरेस्ट हां वार्म अप और बस रेडी हो गए अभी नीचे बैठ नहीं एडजस्टमेंट फर्स्ट गाइस एडजस्टमेंट करना पड़ेगा मैं हार गई हूँ क्यों मुझे बस थक गई हूँ अच्छा मैं अब भैया का चाप पकड़ चलो भागो सो नाउ गाइस मैं रेस विद नेहा होने वाला है मॉम के साथ ताइवान अभी एडेड एडवांटेजेस ये छोटी है मुझे बैग मिला आई एम टायर्ड शी हैज फुल स्टैमिना सो लेट्स गो ऑन अ रेस आनी मॉक दैट्स इट गो ये क्या है Boost mode! Boost mode मिल गया गाइस How was the boost mode? I've been for real. ये हार गई. Hello guys. तो चलते हैं. भागो. 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 कैसा है व्यू मैंने पहली बार गोप्रो में लिया और हम पास पहुंच गए एंट्रेंस के बाजू में और लोग आ रहे भी है बट कुछ नहीं है गाइस एक्चुअली कुछ भी नहीं रेनी सीजन आएगा तो कुछ तो होगा पर अब समर है इसलिए कुछ भी नहीं है गाइस यहाँ पर आ रहे हो ना तो समर में बिल्कुल मत आना अभी धूप बहुत ज्यादा है एक्चुअली और कुछ भी नहीं है और पानी भी नहीं है सूखा हुआ पड़ा है और रेनी सीजन आओगे ना ये पूरा आपको गैप्स दिख रहा है ना वो पूरा पानी होगा और भरा हुआ होगा नदी में भी पानी होगा और मजा भी आएगा क्लाइमेट भी ठंडा रहेगा अभी पूरा गर्मी है लेकिन ग्रीनरी तो है लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा दिसंबर में आ सकते हैं हाँ दिसंबर में आ सकते हैं जनवरी दिसंबर जन ऐसे नवंबर इसमें आ सकते हैं जब आंध्र प्रदेश में बारिश चालू हो गए तब आना हाँ उसके बाद आना हाँ उसके बाद तो अच्छा रहेगा अच्छा रहेगा अच्छा भी लगेगा पीसफुल रहेगा यहाँ पर कॉटेज भी आप रुकना तो आप यहाँ पर रुक भी सकते हो स्टे भी कर सकते हो रेंट में कितना 3,000 है बड़े बड़े कॉटेज है अच्छा। बड़े कॉटेज है और यहाँ पर आके आप वहाँ पर वो रिवर है ना वहाँ पर जाके आप वॉकिंग भी कर सकते हो तो एक रिसोर्ट जैसे ही है गाइस आधा रिसोर्ट आधा फॉरेस्ट
तो गाइस आज का व्लॉग यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं, तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।